भारतमा हेर्नुहोस् त, नेपालको झण्डा बोकेर एक युवा यसरी हिँडिरहेका छन् बजारमा। मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा ये झंडा भी सीसी साइकिल पे रहेगा। अभी मैं दूसरे कंट्री में जाऊंगा तो भी ये झंडा रहेगा, नेपाल के झंडा रहेगा। म भारत में आउँदाखेरि मेरो आँखा नेपाल को झंडा में पर्यो। नेपाल वाला टीका है? हाँ, नेपाल वाला टीका है। ओ, बहुत अच्छा। ये काठमाडौँ यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, नेपालको झण्डा बोकेर भारत में एकजना यसरी यात्रा गरिराख्नु भएको छ। र यो भिडियो मैले बनाउँदैछु वेस्ट बंगाल को सिलीगुड़ी बाट। यहाँहरुले पछाडीपट्टि देख्नु भएको र मैले उहाँलाई रोकेर यो भिडियो बनाएको छु। जति नेपालीले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले लाइक गर्दै भारतका सबैसम्म पुर्याइदिनु होला। एकजना राजस्थानबाट नेपाल आएर उहाँले 50 दिनमा नेपालमा देखेको कुरा यो भिडियोमा भन्दाखेरि आनन्द आउनेछ। र विश्वभरि जहाँ जान्छु यो झन्डालाई म खोल्दिनँ भनेको सुन्दा हामीलाई अझ धेरै खुसी महसुस हुनेछ। भिडियो हेर्दै जानु होला है त। उहाँले बोलेका 50 दिनका अनुभवहरू सबै कुरा म यो भिडियोमा समावेश गर्नेछु। अहिले म भारतको वेस्ट बङ्गालमा छु। यहाँ नेपालको झन्डा, भारतको झन्डा अनि एउटा कुकुर हेर्नुहोस् त, पप्पी, र छेउमा उहाँ राजस्थानको। यो भिडियो हिन्दीमा हुन्छ बुझेर, मलाई हिन्दी त्यति बोल्न आउँदैन तर पनि प्रयास गर्छु। करिब 50 दिन नेपालमा बसेर आज उहाँ नेपालको झापाबाट भारत प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यो साइकल, त्यो कुकुर अनि यो दुई देशका झन्डा र एकजना मान्छे, नेपालको यात्रा उहाँको कस्तो भयो त? यो भिडियो अब सुरु हुन्छ हिन्दी से। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गोपाल मंडल। गोपाल मंडल। मैं ये माइक को थोड़ा ऐसा करूँगा, सॉरी। हाँ, कितना डेज नेपाल में आप? मैं घर से निकला था 22 जनवरी को। 22 जनवरी को मैं घर से निकला और मैं नेपाल एंटर किया था एक महीने के बाद में। सोनौली बॉर्डर से मैं नेपाल एंटर किया। नेपाल एंटर करने के बाद में सोनौली बॉर्डर से मैं बुटवल भैरवा से पोखरा गया। पोखरा के बाद में मैं काठमांडू, काठमांडू के बाद में फिर मैं आया काकरभिटा बॉर्डर से। आप पोखरा गया, काठमांडू गया, ये पप्पी को भी ले गया? हाँ, साथ में गया। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ ये गया। नेपाल कैसा लगे आपको? नेपाल में मैं सच्ची बताऊँ, नेपाल के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। नेपाल के सभी लोगों ने बहुत सारा, ढेर सारा प्यार दिया, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम नेपाल आया था? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम था मेरा। जो साइकिल? हाँ, विद साइकिल। ये थोड़ा सामान उसके बाद आपको दिल में क्यों नेपाल जाने का? नेपाल में एक्चुअली मैं बचपन से ही था मेरा शौक कि नेपाल जाना है। फिर मुझे, मैं भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो थोड़ा यूनिक कंटेंट देने के लिए पब्लिक को, इसलिए मैंने इसको अपने साथ में रखा है और प्लस साइकिल से मैं गया। ये पप्पी, इसका नाम क्या है? इसका नाम गबरू। गबरू? ओ, गबरू आपको इंस्टा में देखा था। गबरू ने वो भगभुक टोकने लगे भन्छ? नहीं, नहीं नहीं करेगा ना। ओ गबरू, नेपाल कैसा लगा? गबरू को नेपाल बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जो आपने ये झंडा किधर खरीदा? ये मैं नेपाल में खरीदा था। नेपाल में खरीदा? ये नेपाल। और अभी मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा ये झंडा भी सीसी साइकिल पे रहेगा। अभी मैं दूसरे कंट्री में जाऊंगा तो भी ये झंडा रहेगा, नेपाल का झंडा रहेगा। ये नेपाल का झंडा देख के आपको कैसे लगा? नेपाल का झंडा सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा। तपाईको घरमा उहाँलाई हामी यो सिलीगुडी, ठिक है, आप जा सकते हो। ठिक है, यहाँ हामी अर्काको घरमा छौँ, हिन्दी पनि दिउँ। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, मैले सिलीगुडी भारतको वेस्ट बङ्गाल, कलकत्ता यहाँको चाहिँ मेन ठाउँ, यहाँनिर एउटा भारतमा नेपालको झन्डा यसरी बोकेर कुकुर लिएर साइकल सरर हिँडेको देखेपछि मलाई एउटा भिडियो बनाउनु मन लाग्यो। जति नेपालीले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई लाइक गरेर, भारत, उहाँ त राजस्थान इन्डियाको हुन्छ, उहाँले चाहिँ 50 दिन नेपाल घुम्दाखेरि मिलेका खुसी अहिले यहाँ व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। फिर नेपाल आओ कि? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक साल बाद में नेपाल आऊँगा, फिर मैं ट्रेकिंग करूँगा। अब कहाँ जाना है नेपाल का? अभी अभी मैं नेपाल के जैसे अन्नपूर्णा वगैरह और जो भी है ना, अच्छी अच्छी ट्रेकिंग, रारा रे, ये इन सब में जाऊँगा अभी नेक्स्ट टाइम। ये भी नेपाल से लिया है मैं भी ये? हाँ, यहाँ ये भी नेपाल से लिया है। नेपाल का वो खाना और ये पप्पी के लिए नेपाल कैसा लगा? हाँ, खाना वाना तो ठीक है, बट मैं क्या, मैं तो मतलब नॉनवेज नहीं खाता हूँ, इसको नॉनवेज खिलाता हूँ और बाकी ठीक है, चल जाता है। आप भेज है 50 डेज नेपाल, जो पोखरा, काठमांडू और उसके बाद में झापा। हाँ, और सिंधुली को बाटा। सिंधुली, सिंधुली के बाटा। वो कैसा लगा आपको? तो सिंधुली का जो रास्ता, अभी कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, वो तो बहुत धूल मिट्टी वाला रास्ता है,
बट थोड़ा धूल मिट्टी में थोड़ी तकलीफ हुई, बाकी उसके बाद में फिर अच्छा रास्ता मिला। और जब मैं पोखरा से काठमांडू आया था तो बीच में भी रास्ता मुझे ख़राब मिला था, तो उधर दिक्कत हुआ था साइकिलिंग में, क्योंकि आपको पता है नेपाल का रोड बिल्कुल ऐसा ऐसा रोड है और साइकिलिंग करना वहाँ पे मतलब इम्पॉसिबल सा काम है, बट मैंने किया वहाँ पे साइकिलिंग अपने पप्पी के साथ में। ये जो आप रात के समय में किधर सोया था? होटल में? ये मेरे पास टेंट है। हाँ? ये टेंट लगा के और बाहर में? हाँ बाहर, होटल के बाहर मंदिर में ऐसे करके टेंट लगा कर। आप होटल में नहीं? होटल में समटाइम 10 दिन में 1 दिन। 10 दिन में 1 दिन? हाँ। और खाना बना तो मैं खुद बनाता था और होटल में भी खा लेता था कभी। आपका ये 50 डेज नेपाल में रहने के टाइम में कितना खर्च हुआ? खर्चा लगभग हो गए 40-50 हजार। 40-50 हजार हुआ। और नेपाली लोग आपको देखकर हाँ। ये झंडा हाँ। ये पप्पी और ये साइकिल में राजस्थान से नेपाल आने के ये जो है ना हाँ। देखकर क्या बोलता है? लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तारीफ की और कभी सपोर्ट भी किया, सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। अब अभी भारत का ये वो तो ओल्ड वाला कैपिटल भी है, ये तो कोलकाता हाँ, ये वेस्ट हाँ। बंगाल, ये में नेपाल के झंडे लेकर वो जो सफर किया है ना ऐसा हाँ, अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है तभी कर रहा हूँ ना। मैले चाहिँ उहाँको यो भिडियो चाहिँ किन बनाए भने नेपाल रौँजेलसम्म यो झन्डा राखेर भारत र फैलिदिएको भए चाहिँ सायद उहाँलाई एप्रिसिएट त गरिन्छ, किनभने भारतदेखि साइकिल लिएर नेपाल घुम्न आउनु भनेको। र त्यही पनि उहाँले सोसल मिडियामा हरेक नेपालको तारिफ गर्दै भिडियोहरू हाल्नुभएको छ। आपको नाम क्या बताए? गोपाल मण्डल, मेरा सोसल मिडिया पे मण्डल भाई नाम है, ब्लगर मण्डल भाई। यो भिडियोमा हामी नेपाली हाम्रा पाहुनाहरू हो, उहाँहरू आफूसँगै एउटा घरमा पालेको कुकुर यसको माया ममता बोकेर आफूलाई अझ सुरक्षित बनाएर आपको नेपाल में वो रिक्स तो नहीं हुआ ना कुछ भी? नहीं नहीं नहीं, कोई रिक्स नहीं हुआ, नहीं नहीं, सबने माया दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब किधर जाना है इधर से? अभी बस ये मेरा फ्रेंड है, इसके घर पे रुकूंगा अभी मैं कुछ दिनों तक। हाँ? उसके बाद में बांग्लादेश जाऊंगा। बांग्लादेश? बांग्लादेश जाने टाइम में भी ये झंडा रहेगा? बांग्लादेश में जाएगा, बांग्लादेश का भी रहेगा, नेपाल का भी रहेगा, इंडिया का भी रहेगा। उसके बाद में श्रीलंका जाऊंगा, श्रीलंका का भी रहेगा, नेपाल का भी रहेगा, इंडिया का भी रहेगा। आप फर्स्ट इंडिया से दूसरो फर्स्ट कंट्री तो नेपाल को चूज किया? नेपाल नेपाल नेपाल। ठीक है। नेपाल का पोखरा कैसा लगा? पोखरा बहुत मस्त, राम्रो छ, राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। नेपाली बोल्न आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, अलिअलि आउँछ। अरे नेपाली नै 50 दिनमा त नि 50 दिनमा त थोडा थोडा सिक गया ना नेपाली, खानेको खाजा बोल्ते। के छ खबर? खबर राम्रो छ, राम्रो छ, बढिया छ। अब फेरि नेपाल आउने? हाँ, एक साल बाद। एक साल बाद मैले बोलेको त बुझ्ने पो भइसक्यो, अझै छ लगेर राख्यौँ क्या। हामी पनि नेपालमा भिडियो बनाउँछौँ, यो होइन यो युट्युब जो आप के जैसा लोग जो नेपाल के लिए जो सपोर्ट करता है हाँ। और टूरिज्म जो आप बांग्लादेश श्रीलंका वो का वो जगह में भी हाँ। आप नेपाल को नेपाल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा झंडा रहेगा इसमें, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा झंडा लगा रहेगा। ऐसा होता नहीं, कुछ लोग ने नेपाल के बारे में सोचा तो अच्छा बोलना। हाँ बिल्कुल 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 अच्छा बोलेंगे, क्योंकि मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ है ना। ठीक है। यो कस्तो भने आज टुरिज्मलाई बढाउन ठुला ठुला एजेन्डाहरू गर्नु पर्दैन, एउटा साइकलमा राखेको झन्डाले र एउटा सामान्य रूपमा निस्किएको यात्रीले पनि ठुलो परिचय दिएर फर्किन सक्छ। उहाँ 50 दिन नेपालमा बस्दा उहाँको मिलियन मिलियनमा नेपालका भिडियोहरू गएका छन्। उहाँलाई देखेर दुईजनै नेपाल आउनुभयो भने पनि हाम्रो टुरिज्म र हाम्रो कन्ट्रीको लागि फाइदा हुन्छ। र यस्ता उहाँहरू जस्तालाई जति देखिन्छ, हामी कसैको होटल छ भने अलिकति फ्रीमै खुवाइदिँदा पनि प्रब्लम छैन, अब हामी उहाँसँग बसेर खाजा चाहिँ खान्छौँ, किनभने 50 दिन नेपालमा उहाँ बस्नुभयो। यो पप्पी कितना सालका हुआ? ये 6 मन्थका है। 6 मन्थ बहुत अच्छा है, तो छोटा भी है अच्छा भी है। नेपाल में बहुत लोगों ने सम्मान किया, इसको क्या बोलते हैं जो ये खादा, खादा हाँ खादा, इसको काफी लोगों ने पहनाया, टीका लगाया, अभी भी देखो लाल लाल हो रहा है। ये नेपाल वाला टीका है? नेपाल वाला टीका। बहुत अच्छा। ये काठमांडू पशुपति की गया? पशुपति भी गया, ये पोखरा भी गया, पोखरा भी गया, और बीच का वो बहुत टेम्पल है ना उधर में गया कि नहीं? हाँ मुंगलीन में गया था, काफी बीच बीच में डोलेश्वर महादेव, सूर्य विनायक, भक्तपुर में, वो सब गया। ओ, इसका कोई दिक्कत नहीं है साइकिल में? ये ऐसा अच्छा तरीका? हाँ हाँ, हेर्नु न यो हाम्रो तरकारी हाल्ने भाडो एउटा नर्मल तरिकाले। अब मलाई यो हिन्दी सिन्दी त्यस्तो पर्फेक्टली आउँदैन, तर उहाँसँगको यो भिडियो चाहिँ बनाउन किन पनि मन लाग्यो भने, अब सिलगढीमा आउँदा झन्डा देख्छु नेपालको, झट्ट गाडी रोकेँ क्या म, अनि रोकेर उहाँलाई पनि रोकेँ र
एकदम म चाहिँ म यस्तोमा एकदम आनन्द लाग्छ क्या, कहीँ हाम्रो देशको झन्डा कसैले हातमा लिएको छ, नेपालको टोपी कहीँ लगाएको छ शिरमा, नेपाल ओ नेपालका ओ कैसा हाँ, लगा आपको? मैंने लगा के मैं घुमाऊँ वो टोपी लगा के घुमाऊँ, वीडियो भी बनाया हूँ मैं वो टोपी लगा के। ओ अच्छा है। हाँ फर्स्ट टाइम नेपाल आने के बाद वो आपका दोस्त है ना जो इंडिया का, हाँ, हाँ। और आपका सोशल मीडिया में भी बहुत दोस्त है, हाँ। वो आप नेपाल के लिए आपका दोस्त का लिए क्या मैसेज देता है? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि नेपाल के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और आप अगर घूमने के उद्देश्य से आ रहे हो तो नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी घूमने लायक। जिसको माउंटेन लवर जो होते हैं ना उनके लिए तो भाई जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी लोकेशन है नेपाल में जो और दूसरी जगह नहीं मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नेपाल आ जाओ, नेपाल में घूमो, सारी जगह है वो भी मस्त 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 मस्त। भाई ये बोलूँगा, सबको बोलूँगा, मैं तो सबको इन्वाइट करूँगा। ठीक है, आपका ये साइकिल कितना कॉस्ट में लिया था? ये इंडियन 13,000 का है। एक बार मैं चला सकता हूँ? ओके आप देखो, बट गिरा मत देना। नहीं नहीं नहीं, आप तो मैं तो परफेक्ट हूँ ना, यो साइकिल इसको उतारू, बैठे रहने दो, बैठे रहना। ठीक है देखो एक बार चला दो, मैं तो खतरा कुदाउँछु नि। आप वो साइलेंट रहो रहा दोनों माइक का साउंड आएगा। यो साइकिल भारत को राजस्थान देखि यसरी नेपाल र इंडिया को झंडा र छेउमा कुकुर लार टक, अरे बहुत हारे तो यार साथीहरु, इंडिया में मैं इंडिया को वेस्ट बंगाल में छु, वेस्ट बंगाल से यो साइकिल बड़ा हेर्नुस् त टक्क दाजु, एउटा रील्स बनाउनु मन लाग्यो, ठाडो भिडियो आपके साथ। अच्छा हुआ, ठीक, बाय बाय पप्पी जो नेपाल से। ओके बाय बाय, ओके हाँ। हेर्नु न, भारतको सिलिगुडीमा नेपालको झन्डा लाएर यसरी घुम्दै गरेको देखेपछि मैले रोकेँ एकछिन, उहाँसँग कुराकानी गरेर केही चिया खाजा खाने मन थियो हामीलाई पनि, तर हतारको कारणले गर्दा उहाँको गन्तव्य अरू कहीँ जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भिडियो बनाउने समय मात्रै मिल्यो आजको लागि। र 50 दिन नेपाल घुम्दा समग्रमा उहाँले आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ इन्स्टाग्राममा हाल्नुभएको छ, धेरै इन्डियामा बस्ने र धेरैले उहाँको इन्स्टा हेरेका छन्, यसले गर्दाखेरि नेपालको टुरिज्ममा केही धेरै सपोर्ट हुनसक्छ है।